बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब मेरे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो अब चलते हैं किचन में और आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। तो मैं देखती हूँ कि किचन में क्या क्या तैयार हो रहा है। आज स्पेशल हम कीमा तैयार कर रहे हैं। कीमे को मेल्ट होने के लिए पानी में डाल दिया गया है। इधर हमने प्याज काटे हैं, टमाटर है, अदरक है। टमाटर तो बहुत थोड़ा रखा हुआ आपने भाई, और ये हरा धनिया है, ये तैयार करेंगे। और उसके बाद साथ हम तड़के वाली ज़बरदस्त किस्म की दाल और फंटास्टिक किस्म की दाल तैयार कर रहे हैं। और फिर देसी मुर्गी भी लाएंगे, वो भी तैयार करेंगे। तो आज की जो रेसिपी हमारी किचन में ये तैयार हो रही। अभी हम लेने जा रहे हैं देसी मुर्गी अपनी सोसाइटी से निकलकर। हमारी सोसाइटी के बिल्कुल साथ एक रोड है, वहाँ पर देसी मुर्गियों के बड़े स्टॉल लगे हुए हैं। वो चल के मैं आपको दिखाती हूँ और साथ लेती हूँ देसी मुर्गी। अभी मैं आई हूँ स्टॉल पे। ये है देसी मुर्गियों का स्टॉल, ये देखें। और मैंने जो मुर्गा लिया है, दिखाएं दिखाएं ज़रा मुर्गा। इधर अंधेरे में क्या, इधर उधर रोशनी में नहीं आ रहा। इधर इधर छोड़ें, इसको छोड़ें। ज़बरदस्त जी, कमाल, वाइट कलर का, ये बिल्कुल देसी है। देसी मुर्गा जान देता है? फिलहाल तो नहीं सुनी, आज माल आया ना। अच्छा, ताज़ा आया है ये। काले बादल जो हैं इस वक्त आ रहे हैं, पहले बहुत सख्त धूप निकली हुई थी, काले बादल जो हैं वो आ रहे हैं। और आज जो है ना बारिश होगी ही होगी। ये दरख्त पे कबूतर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ही खूबसूरत। और ये जो स्टॉल है मुर्गियों वाला, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सब इधर, ये स्टॉल है माशाल्लाह। ये गार्डन सजाने के लिए उन्होंने परिंदों के घर बनाए हुए हैं। और ये जो है सारा रखा हुआ है। ये जग दिखाएं मुझे, ये मुझे दिखा दें, ये वाला। हाँ ये दिखा दें, ये वाला, ये जो घर बनाया हुआ। हाँ ये दिखा दें, हाँ दिखा दें। कितने का है? 250 रुपये का। अच्छा, 250 रुपये का। माशाल्लाह कितना खूबसूरत घर बना है। घर तो घर होता है जी, चाहे इंसान का हो चाहे परिंदे का हो, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। क्या ज़बरदस्त इन्होंने शेर बनाया हुआ है। ये मिट्टी के स्टॉल है, ये भी है, ये भी शेर का बना हुआ है घेरा। ये बड़े ही खूबसूरत, मैं गार्डन के लिए, गार्डन को सेट करने के लिए उधर से शॉपिंग करके लाई हूँ स्टॉल से। मैं फ्रेश होकर तैयार भी हो गई और मेरे गेस्ट अभी तक नहीं आए। और गेस्ट जो है ना, मेरा ख्याल है कि वादे के पाबंद नहीं है। 8:30 बज चुके हैं, 8:30 बजे को उन्होंने टाइम मुझे दिया था। 8:30 बज चुके हैं और इस वक्त मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई है, इतनी शदीद भूख है कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने सुबह 2 ब्राउन ब्रेड लेने होते हैं और 6 बजे मैं खाना खा लेती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मेरे मेहमान नहीं आए और मैं परेशान होकर बैठी हुई हूँ। और कितनी मेहनत से मैंने खाना बनाया, फिर जाके बाहर से चीज़ें ली और अब मैं खाना खाने लगी हूँ। मुझसे भी वेट नहीं होता मैं कि मेरे मेहमानों के साथ में मिल का जो आज था, उसमें कमेंट सेक्शन में मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि आपने लिपस्टिक का कौन सा कलर लगाया हुआ है। तो OT कंपनी है और उसका नंबर 2 है और ये है रेड कलर में। 2 घंटे हो गए लाइट को गए हुए और UPS भी इस वक्त लाइट जो है ना ब्लिंक हो रही है, ये देखा, ये ब्लिंक हो रही है। और इंतज़ार कर 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 के कि मैं थोड़ा सा टाइम और भी लॉग को दूं, लेकिन अब 2 घंटे लाइट का इंतज़ार करते करते वैसे भी नींद आनी शुरू हो गई है और मैं थक गई हूं। और अब मैं आपसे चाहती हूं इजाज़त, मिलते हैं कल अगले भी लॉग में। तो उस वक्त तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएँ।
तो हर आने वाली वीडियो ताकि मेरी आपको मिल सके। और यूपीएस भी जा रहा है, इससे पहले कि मैं कैमरा बंद कर दूं यूपीएस जा रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल आप देख रहे हैं, घर में लाइट अभी भी नहीं आए, 3 घंटे गुजर चुके हैं और यूपीएस जो है ना वो भी जवाब दे गया। तो घबरा के बाहर गाड़ी में निकल आए हैं कि चलो कुछ गाड़ी के इसी चलेगा और थोड़ा सा घूम फिर भी लेते हैं। तो अब हम आए हैं रिजवान बर्गर पे, यहाँ पे भी गाड़ियों का बड़ा रश है, ये देख रहे हैं आप। मैंने कहा छोटा सा रात का लेट नाइट का व्लॉग बना के मैं आपको दिखा दूँ, और बहुत ही लोग इंजॉय कर रहे हैं। लाहौरिया जो है ना रातों को निकलते हैं, खाबे खाते हैं, इंजॉय करते हैं और चिल मारते हैं। तो हम लोग भी गर्मी के सताए हुए निकले हैं, हम तो सताए हुए हैं, हमें ना कुछ कहो, हम तो सताए हुए हैं, बिजली ने हमें सताया है और हम बाहर। हाँ जी अली साहब, आपने क्या ऑर्डर किया, आप क्या मंगवाया? हम अभी आए रिजवान बर्गर पे, तो मुझे इसकी तारीफ मैंने सुनी थी, इसका स्पेशल रिजवान बर्गर होता है, हम वो खाने लगे अभी। अच्छा, रिजवान बर्गर स्पेशल जी, बड़ी बात है जी, बड़ा नाम है रिजवान बर्गर का, और में इसकी बड़ी ब्रांचेज हैं।